रहेगा फ्री में गाइस, फ्री में करना है पर जब मेरी इनकम आने लग जाएगी ना इंस्टाग्राम से, तब पक्का पक्का मैं कह रही हूँ। अभी फिलहाल के लिए कोई अगर फ्री में कर सकता है तो देख लो, कल को मैं सुपरस्टार बन गई ना अगर, फिर बहुत पछताओगे, इसलिए कह रही हूँ अभी मेरा काम फ्री में कर लो। अच्छा मुझे एक चीज़ पूछनी है, जो भी अभी यहाँ पे फिलहाल 11 लोग हैं, इन लोगों से मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जो मैं कंटेंट डालती हूँ वो आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब पसंद आता है या नहीं आता है, या नॉर्मल लगता है या कैसा लगता है, क्योंकि शेयर तो कोई करता नहीं है। कमेंट जितने मुझे यहाँ लोग दिख रहे हैं उनमें से मैंने किसी का कमेंट नहीं देखा आज तक, एक्सेप्ट कुछ एक दो लोग हैं जो कमेंट करते हैं, उनके अलावा मैंने किसी का कमेंट नहीं देखा, ना कोई शेयर करता है ना कोई मेंशन करता है, तो वो पता नहीं सिर्फ लाइव में ही आकर सब मक्खन लगाते हैं। मसूरी का वेदर सही है, हाँ मसूरी का वेदर तो अच्छा ही रहता है हमेशा, बट अब इस टाइम मसूरी जाना बहुत ही बेकार है, इतना रश। इतना प्यार से बोलेंगे तो कोई भी कर लेगा, तो प्लीज अगर मैं इतने प्यार से बोलूँ तो आप जाके मेरी वीडियो शेयर करो। अंता बहुत अच्छा, कीप गोइंग, कहाँ है तू आजकल? कंटेंट का तो पता नहीं, खूबसूरत बहुत हो आप। हाँ तो प्लीज कंटेंट को भी देखो जाकर, उसमें भी मैं ही दिखूंगी, उसमें भी ये खूबसूरत लड़की दिखेगी आपको, तो कंटेंट भी देखा करो, सिर्फ लाइव लाइव मत देखा करो यार। बढ़िया लगता है कंटेंट, मैं तो करता हूँ कमेंट, हाँ मैंने बोला तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग, उन कुछ लोगों में तुम हो रोहित, बट जितने लोग यहाँ आते हैं वो सब नहीं करते ना। देखो कमेंट या फिर शेयर करने से ये नहीं होता है कि उसे जैसे होता है कि थोड़ा सा मेरा एंगेजमेंट रेट अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचेंगी, तो बस यही होता है। वैसे भी इंस्टाग्राम के अलगो चेंज होते रहते हैं तो पता नहीं, बट स्टिल इफ यू गाइज आर फॉलोइंग मी देन प्लीज प्लीज डू शेयर माई कंटेंट गाइज, प्लीज प्लीज। ओ हाँ देखो ये मैं दिखाना भूल गई, मैंने नेल आर्ट करने की कोशिश कर रही है थोड़ी बहुत, और दोनों कैसी लग रही है, मैं तो ठीक ठीक ही लग रही थी। ओके ओके इसमें नहीं करी है, इसमें करी है, लग तो अच्छी ही है। कम से कम मैंने अपने 1,000 रुपये बचाए हैं ये खुद से करके, बट ओके। कृतिवश निया, थैंक यू सो मच। अप से फुल सपोर्ट, थैंक यू। हाय आंचल, कभी भूल में आपको लग जाएगा, नहीं 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 लगेगा, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। ओके गाइस आई थिंक इट्स टाइम टू गो गो, ओके ऑल्सो जस्ट टू लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से सॉन्ग पे बनाऊँ, मैं नेक्स्ट स्टोरी में एक यू नो क्वेश्चन वाला जो आता है ना वो पोस्ट कर दूंगी, सो उसमें मुझे बताना आपको नेक्स्ट जो कोरियोग्राफी है वो कौन से सॉन्ग पे चाहिए, एंड देन आई विल डू दैट ओनली, सो यू कैन सेंड मी सम ऑप्शंस जो आपको अच्छे लगें।
ऑल्सो मुझे जो मतलब जो सॉन्ग मैं सेलेक्ट करूँगी, आई एम थिंकिंग कि मैं उसको भी मेंशन करूँगी. आई एम गोना टैग दैट पर्सन ऑल्सो, जिस पर्सन ने मुझे वो सॉन्ग सेलेक्ट करके दिया है, सॉन्ग सजेस्ट किया है. सो प्लीज़ नेक्स्ट स्टोरी में जाके सॉन्ग ज़रूर सजेस्ट करना, और अच्छे अच्छे सॉन्ग सजेस्ट करना. ओके, सो आप डांस इंडिया डांस में ट्राई करो, आप जीत जाओगे, हमारा फुल सपोर्ट है. अच्छा, तो ये बात आएगी तो मैं बताती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको, अगर आपको फेमस होना है, डांस इंडिया डांस इज लाइक कि जस्ट यू हैव अ टाइटल और आप थोड़ा सा फेमस हो जाते हो टीवी पे जाके. बट आई थिंक कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट यू डोंट नीड टू बी ऑन टेलीविजन, एंड स्टिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट. लाइक यू कैन बी फेमस और यू कैन अर्न मनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर हैं जो अभी यू नो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. दे हैवेंट एवर बीन टू लाइक ऑन टेलीविजन, बट स्टिल दे आर डूइंग ग्रेट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको DID, डांस प्लस या इन सब चीज़ों में जाना है. यू कैन डू गुड अगर आपकी जो ऑडियंस है जस्ट लाइक यू, अगर आप लोग फुल सपोर्ट करोगे तो मे बी वन डे. अरे आप वही हो ना. रील कौन सी टॉपिक की है? सिर्फ और सिर्फ डांस रील यार, कोई वैसे इधर उधर का कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ डांस रील. क्या सिस्टम? चलो फिर, आई गेस जाने का टाइम आ गया है. आज बारिश में जाओगे, मेरे पूरे मुंह में खुजली हो गई है. किसी को और कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो अभी के अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है, क्योंकि उसके बाद मैं जा रही हूँ, क्योंकि कल मेरा एक चीज़ केक का ऑर्डर है जो कि मुझे अभी बना के रखना है ताकि वो रात भर में सेट हो जाए. और हाँ, जो जो देहरादून से हैं, ऋषिकेश से हैं, जाके मेरा पेज फॉलो कर लो अभी के अभी, द स्वीट स्पॉट अंडरस्कोर बाय शिल्पी, द स्वीट स्पॉट, स्वीट स्पॉट अंडरस्कोर बाय शिल्पी. और जिसको भी केक खाना हो, बहुत सारे फ्लेवर्स के केक अवेलेबल हैं, चीज़ केक्स अवेलेबल हैं, ब्राउनीज अवेलेबल हैं, कप केक्स अवेलेबल हैं, प्लस केक सिकल्स अवेलेबल हैं, होममेड चॉकलेट्स अवेलेबल हैं. सो जिनको भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं वो प्लीज़ सेम डे ऑर्डर ना करें, एटलीस्ट 1 दिन पहले ऑर्डर करें, क्योंकि हम 1 दिन पहले ऑर्डर लेते हैं. और जाके अभी के अभी फॉलो कर लो, मस्त पेज, मज़ा आएगा. आप डांस कर लो, बस गाने का क्या है यार, मतलब गाने पे ही तो करूँगी ना डांस, ऐसे थोड़ी शुरू हो जाऊंगी. मेरे साथ कपल डांस करोगे? ओके बॉस, डन. विकास नगर में बारिश हो रही है क्या? ये तो मुझे अपनी नानी को फोन करके पूछना पड़ेगा. गाइस, मैं विकास नगर में नहीं रहती हूँ, मैं जॉली ग्रांट में रहती हूँ, एयरपोर्ट के पास. तो जिसे भी कभी मुझसे मिलना हो, सीधा एयरप्लेन की टिकट करें और आ जाएं. डांस का पैशन किससे आया? वैसे तो ऐसा मतलब किसी को देख के मुझे ऐसा कोई कभी पैशन नहीं आया. मैं शुरू से ही मतलब स्कूल टाइम से मुझे ये था कि मुझे तो करना, तो बस वही शुरू से करती रहती थी, करती रहती थी, करती रहती थी. हर एनुअल फंक्शन में कोई, इवन जैसे 15 अगस्त पे भी हो जाता है, एक होता है ना पूरा एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का कि भाई एक साल में एक बार ही होता है, एक होता है बीच में आते रहते हैं छोटे मोटे चीज़ें, तो मैं वो छोटी मोटी चीज़ें भी करती थी और वो बड़ी चीज़ भी करती थी. तो वो करते 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 फिर मेरा पैशन ही बन गया. मतलब वो अब अच्छा लगता है, डांस करे बिना मन नहीं लगता.
लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। हर्षित केक नेपाल में डिलीवर होता है क्या ब्रो? आई एम फ्रॉम देहरादून मैन, केक नेपाल कैसे जाएगा? केक से ज़्यादा तो डिलीवरी चार्ज लग जाएंगे नागपुर में। नहीं नहीं गाइस, सिर्फ और सिर्फ देहरादून और ऋषिकेश, दैट टू दे हैव टू मेक अ सेल्फ पिकअप, नो एनी डिलीवरी ऑप्शंस आर अवेलेबल, ओनली एंड ओनली सेल्फ पिकअप्स आर अवेलेबल। सो अगर देहरादून एंड ऋषिकेश आर लाइक बहुत पास है यहाँ से, अराउंड 20 किलोमीटर्स, तो दे कैन मेक अ सेल्फ पिकअप। बाकी डिलीवर, वी डोंट डिलीवर एनी वेयर एक्सेप्ट जो जॉली ग्रांट का कैंपस है, दैट हिमालयन हॉस्पिटल वाला कैंपस, जो कि यही नियर बाय एक हॉस्पिटल है, वहाँ के कैंपस में भी डिलीवर, दैट टू यू नो रेयरली, व्हेन आई फील लाइक कि हाँ आई हैव टाइम देन आई डू दैट। ओके ओके, हेलो अज्जू बॉस, हाउ आर यू? हाउ इज भाभी? हाय गुरप्रीत, डांस में आइडलाइज किसको ज़्यादा करते हो? एक्चुअली मेरा ऐसा कोई आइडियल भी नहीं आज तक डांस में। मुझे ना मतलब मैं ऐसे ही स्क्रॉल करती रहती हूँ या देखती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका मुझे जो स्टेप अच्छा लगता है, जिसका मुझे जो चीज़ पसंद आ रही है, जैसे कुछ लोग होते हैं दे डोंट रियली डू मच ऑफ स्टेप्स, वो ज़्यादा स्टेप्स नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं प्लस द वे दे फील सॉन्ग को, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो वहाँ से ठीक है वो चीज़ सीख लो कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं सॉन्ग को, वो चीज़ ले लो। कुछ लोग होते हैं जिनके फुट स्टेप्स बहुत प्यारे होते हैं, तो उनके फुट स्टेप्स देख लो। कुछ लोग होते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होता है, उनके बॉडी लैंग्वेज ग्रैब कर लो। सो इस तरीके से होता है, आई डोंट आइडलाइज अ सिंगल पर्सन। वाह नाइस, ये अच्छा लाइव सेशन है यार, ऐसी चीज़ें पूछा करो। अजय भट्ट नचाड़, ओके ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट नचाड़ एक बहुत ही बैड वर्ड है, किसी को आप ऐसे मत बोलो, यू कैन से आर्टिस्ट इंस्टेड, दिस इज़ अ वेरी बैड वर्ड। बिल्कुल आए, देहरादून आए। दीदी आप मैरिड हो? अभी तक तो नहीं हूँ, अभी तक तो मैं सिंगल हूँ। मैरिड लग रही हूँ क्या? प्लीज शाउट आउट हर्षित के नाम पे, उसका बर्थडे है आज। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हर्षित, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय सूरज, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? अच्छा काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। विराट कोहली का डांस देखे वेस्ट इंडीज में? नहीं, आई एम नॉट इन टू क्रिकेट गाइज, मुझे क्रिकेट के प्लेयर्स का नाम भी नहीं पता है, लाइक जो बहुत पहले क्रिकेट के प्लेयर्स थे उन्हीं का मुझे नाम पता है, युवराज और धोनी के टाइम वालों का, बट अब वालों का तो मुझे बस एक विराट कोहली और रोहित शर्मा, बस शायद यही दो पता है, तो मैच देखना तो दूर की बात है। हर्षिता कहाँ पर है? आप हर्षिता की आईडी पे चले जाएं, उसे मैसेज कर लें, से पूछें वो कहाँ है। रिस्पेक्ट जरूरी है, यस वेरी राइट। अगर आप आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, तो डोंट टॉक, मेरा तो यही मानना है। ओके गाइस, सो बहुत अच्छा सेशन रहा आज का, तो मतलब मुझे मज़ा आया बात करके, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, मतलब लगता है कि आप लाइव आए हो तो आपने कुछ बात करी है। कई कई बार तो ऐसा होता है मैं लाइव आती हूँ, बस मैं बैठी रहती हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या, क्योंकि आप लोग बात ही नहीं करते हो। सो
चलो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अब मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, और मैं पक्का पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट संडे को मैं पक्का 1 घंटे नहीं तो एटलीस्ट आधे घंटे पहले तो मैं पक्का डाल दूंगी मैं लाइव आने वाली हूँ। और लाइव आने का टाइम मेरा यही रहेगा क्योंकि मैं इसी टाइम फ्री रहती हूँ मॉर्निंग से शाम तक। सुबह से काम रहता है, बहुत काम काजी लड़की हूँ मैं। ओके आई वुड लव टू आस्क यू मोर क्वेश्चन नेक्स्ट संडे एंड आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। चलो ओके गाइस, सी यू सून। तब तक के लिए शब खैर, जय राम जी की, नाचते रहो गाते रहो, ऐसे ही करते हैं, बाय बाय। चलो ओके ठीक है, बाय।